साथियों, आज देश में गवर्नेंस के लिए जितने बड़े पैमाने पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। कल ही हमारी सरकार ने, मेरा तुमकुर में कार्यक्रम था, देश के 6 करोड़ किसानों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये सब कैसे हुआ, ये संभव कैसे होता है? क्योंकि आधार एनेबल्ड टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम आसान होता है। साथियों, अगर देश के हर गांव तक, गरीब परिवार तक शौचालय पहुंचा है, बिजली पहुंची है, तो ये टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हो पाया है। ये टेक्नोलॉजी है जिसके कारण सरकार उन 8 करोड़ गरीब बहनों की पहचान कर पाई जिनका जीवन लकड़ी के धुएं में बर्बाद हो रहा था। टेक्नोलॉजी के उपयोग से लाभार्थी की पहचान तो हुई ही, साथ ही नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहां और कितने बनने हैं ये भी हम बहुत ही कम समय में तय कर पाए। आज गांव में सड़कें समय पर पूरी हो रही हैं। गरीबों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा मकान अगर समय पर तैयार हो पाए हैं तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी की ताकत है। जियो टैगिंग और डेटा साइंस का उपयोग होने से अब प्रोजेक्ट्स की गति और तेज हुई है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था से योजना और लाभार्थी के बीच का गैप अब खत्म होने लगा है। समय पर काम पूरा होने से कॉस्ट ओवररन और अधूरे प्रोजेक्ट को ही पास करने की जो शिकायतें आती थी वो भी अब खत्म हो रही है। फ्रेंड्स, वी आर कंटिन्यूइंग अवर एफर्ट्स टू एंश्योर द ईज ऑफ डूइंग साइंस एंड इफेक्टिवली यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस रेड टेप। टुडे फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स directly to the market without being at the mercy of the middleman. Digital technology, e-commerce, internet banking and mobile banking services are assisting rural population significantly. Today, farmers are getting the required information about the weather and forecast at their fingertips through many e-governance initiatives.